अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कालाबाग रोड दाऊद खैल द एक शाहकार और शाहकार भी जिसको असा अल्लाह दी अलामतां भी याद अल्लाह दी निशानियां यानी मस्जिद अल्लाह दा घर साढ़े अकब दे विच तो सा देखते पाए हो नजरीन रोड तो गुजरदा है तो साड़ी टीओ दी कई लोग इसका विजिट भी किया उसी। इसको वैसे शीशा वाली मस्जिद आ दिन और इसका नाँ है बिलाल मस्जिद। इतों के एक मैं स्टैंड बाई इमाम मस्जिद आखा कि जेरे उस्ताद हाजा इमाम मस्जिद ने उन्होंने जमात करवे ने सानल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। तुम्हारे नाम? सुबदार रिटायर्ड दिलजान खान। सुबदार रिटायर्ड दिलजान खान। सर इस मस्जिद की साको हिस्ट्री दसे सो कदा है दसंगे बुनियाद रखा गया? सर मस्जिद की हिस्ट्री ये कि 1986 इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई है। अच्छा ठीक है। उस तो बाद 1990 में पीर बाकी शाह साहब कोट गुला शरीफ अस्थान है आलिया कोट गुला शरीफ उन्होंने इफ्तिताह किया है। छोटी जी एक वॉलीबॉल टीम आई दाऊद खैल मस्जिद महल लमे खैल ने उन्हें इसने इफ्तिताह की है। चंदा उन्हें पहले इकट्ठा किया है। उस तो बाद इतने पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब असं भी हसे नाल होर लोग भी आई मुखाजर हजरात जे कर सकते हैं ट्रांसपोर्टर हैं सवारी हैं पब्लिक जितनी भी उन्हें चंदा दिता है थोड़ा थोड़ा करेना करेना कतरा कतरा दरिया बनाए और इस टाइम जनाब अली कुछ भी नहीं कम अज कम मैं आखना एक करोड़ तो भी उत्ते टपी हुई। अच्छा ठीक है। तो अज भी मतलब हेल्प अगर करे गवर्नमेंट या कोई मुखजर हजात करे तो उन्होंने जनाब बड़ी मेहरबानी क्योंकि दिहाड़ी ने इसने कम अज कम ठीक ठाक खर्चा है बिजली ना बिल ले इसने टुट भाजी इसने मेटी ना से सारी मतलब इस टीम ने जमी जुम्मा भी होना है। जुम्मा माशाल्लाह जबरदस्त जुम्मा होना है और जितने भी साढ़े कच्चे ने लोग हैं आस पास ने जितने भी हैं तो सब तो ज्यादा रश थे दाऊद खैल में इस मस्जिद से। नजरी ने साको दसे ने पैन इस मस्जिद की हिस्ट्री और इस हालात के ये बिलाल मस्जिद इस आओ तो असा विजिट भी करवे ने कि अगर तुसा इसको विजिट करना चाहो तो काला बाग वेना होया दाऊद खैल के मकाम ते बिलाल मस्जिद। नजरी ने इस मस्जिद का ये तो छोटा जहा लेकिन इसको मेन गेट आ दिन ये लोग अंदर दाखिल थी ने और जो ही इस दो तुसा अंदर दाखिल थी ने इसका सेहन शुरू हो गए जिसको असल मस्जिद असा आदि वैसे तो वाशरूम भी होने दीगर इयाता भी होने चपली उतारण की जगह लेकिन ये वो जगह है। कैमरामैन निकले सुन इस दी बार दी खूबसूरती मेरे नाल मौजूद हैं कैमरामैन जीशान माशाल्लाह इंतजामिया दादी मुस्तहिक के इस तरह फिर खड़ो पहलो बार सब्जा खाली खड़ो ना माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत केले दा पौधा है थोड़े जो पीछे थी इस मस्जिद नहीं लेफ्ट और राइट साइड बेहतरीन पार्क है इतने फैमिली आ के बानी हैं मतलब एडे भी लेफ्ट साइड से भी है राइट साइड से भी इन्हें मेंटेनेंस भी मस्जिद ना सारा बंदोबस्त है माशाल्लाह। हाँ। नाजरीन मस्जिद क्योंकि है तो इबादत गाह लेकिन एक ऐसा मकाम है जिते लोग आने तो दस रहे हैं कि दोनों साइड से ताकि कोई फैमिली आनी है बच्चे आने तो उन्होंने बहुत वास्ते पार्क भी बनाया गया इंशाल्लाह वो भी तो असा वीडियो निकल स और तो आपको अंदर का नज़ारा करवे लिया कि इस मस्जिद का माशाल्लाह सुबहान अल्लाह इसको देख के नज़र आना है कि थे अल्लाह दी मोहब्बत वाले लोग रानिन अल्लाह दे रसूल दी मोहब्बत वाले लोग रानिन इस तरह इसको सजाया गया खूबसूरत शीशे नाल माशाल्लाह अल्लाह पाक जै जै दे विच अतिया दिता है उन्हों का कबूल फरमावे। नाजरीन राइट साइड का गेट है लैफ्ट साइड का गेट है इस पास भी तुस मस्जिद इंटर थी सकते हो और आउट थी सकते हो। हूँ तो आपको असा मस्जिद और पार्क दिख लेने जरा तफरी वास्ते और इसको इसकी मेंटेनेंस और इसकी केयर भी जी इंतजामिया दे और इ जे लोगों की असर वीडियो बनाइए कि पानी पिलवे ने उआ ये सारा कुछ दिख लेने माशाल्लाह एक बड़ा खुशगवार माहौल है अल्लाह पाक अतिया करण वाला को कैमरामैन तो आपको हर पास इदा व्यू निकले सी चाचा इस्माइल इसकी देखभाल करे ने हाथ लाओ चा।
आमीन आमीन। और वो पीछे फुहारा भी मेरे ख्याल लगा है, ज़बरदस्त जी, क्या माहौल है जी, माशाल्लाह, अल्लाह पाक आबाद रखे ये जी। और आगे भी एक पोर्शन है, कैमरामैन थोड़ा जो आगे आवे सो, ये जी खूबसूरत माहौल, लोग आके इतने बैठे टाइम पास करे ने पैन, इतने ज़ूम करे सी चना उसका जी देख के हो गया। और इस मस्जिद का शान खूबसूरत मीनार, आज दी वीडियो इतना को जी, मेरे को इजाज़त दे सो, कैमरामैन जीशान के नाल उस्ताद अहमतुल्ला को अल्लाह हाफिज़।